सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरे Thank you.
मैं आपको बताना चाहूंगा, आई एम द मेकर ऑफ जस्ट डांस इंडिया। आई डोंट नो कि आप जानते हो कि नहीं, बट प्लीज आप जस्ट डांस इंडिया में आइए। जेडीआई को आप जैसे आर्टिस्ट की जरूरत है। जोरदार तालियां बजा दो गाइस ऐसे आर्टिस्ट के लिए। आपके लिए ऑलवेज जेडीआई इज ऑलवेज फ्री, एंड आपको जो सपोर्ट चाहिए हम लोग करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने मेरे लिए बंदा लेजेंड है गाइस, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। इतना इतना मोमेंट पर कंट्रोल, वाओ। मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि उस शो में जब ये परफॉर्म किया था, मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने अभी बोला इसको, भाई वीडियो बनाने आ जाना मेरे पास, आ जाना वीडियो शूट करेंगे हम, पक्का करेंगे। जब मैंने बोला था तो वीडियो शूट होगा, ठीक है। मेरा एक शो आ रहा है यूनिक डांस चैंपियनशिप UDC। पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं एक शो, अरुण राव डांस वर्ल्ड प्रेजेंट्स UDC एंड कोलैबोरेटेड विद अदर शो जो मैं करता हूँ रेगुलर। तो उसमें यू आर इन फाइनल्स। थैंक यू सो मच। मैं डायरेक्टली इन फाइनल। सीरियसली एक दिल की बात है छोटी सी बोलना चाहूँगा, अगर यहाँ आर्टिस्ट हैं तो रियल आर्टिस्ट हैं तभी सुनना मेरी बात। मैं जो करता हूँ दिल से करता हूँ, मुझे नहीं मतलब तुम क्या सोचते हो, मुझे नहीं मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा दिल जो मुझसे कह रहा है मैं बस वही करता हूँ। अगर आप मेरे दिल को समझ सकते हो, दिल की जो प्रेजेंटेशन है मेरी, अगर वो समझ सकते हो, दिस इज आर्ट। कुछ चीज़ें ऐसी थी ना अनबिलीवेबल, वो जो एक मूवमेंट तुमने किया था, अगर सबको पता नहीं, सबने ध्यान दिया होगा, जीप से किया था जो करके अचानक से आया था, वो जैसे गरारा करते हैं ना, गरारा कर, हाँ ये वो इतना डीप था कि मतलब नहीं यार, मतलब कोई ध्यान नहीं देता। और फिर ये जो हाथ से किया एक बार पंप किया था, 1 2 एक ये किया था आपने, फिर आपने यहाँ से बीट पकड़ा डुम 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 डुम, वो चीज़ थी। फिर आपने स्टार्टिंग में दिल दिल से आपको धक 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 किया, वो इफेक्टिव था। ऐसे इतने है कि मैं बताता थक जाऊँगा। फिर आपने जूता लिया अपना, निकाल दिया, फिर उसको कुछ अलग ही, मतलब अपने जोन में कोई मतलब नहीं पब्लिक से। अमेजिंग यार, अमेजिंग। सर मेरा ड्रीम है छोटा सा कि मैं अंडरग्राउंड आर्टिस्ट था, बड़ा मैं कमर्शियल आ चुका हूँ। तो मेरा बस यही सपना है, जितने भी कमर्शियल आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, मैं सबके साथ रहकर काम करना चाहता हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ काम आप ही नहीं, काम मैं भी करता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे MLA सर को देख रहा था बार बार, वो इंजॉय कर रहे थे बैठे बैठे। सर बीच में इंजॉय कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं बगल में कि देखो यार क्या कर दिया, देखो ये क्या कर दिया। बस मतलब चौंकने वाला जो होता है फील होता है ना, वैसा था। मैं बार बार वहीं मेरी नजर जा रही थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था, ऑडियंस बहुत इंजॉय कर रही थी। तो यार अमेजिंग आपने सर मेरे को वीडियो बनाओ। थैंक यू सो मच। कुछ परफॉर्मेंस, 3-4 परफॉर्मेंस ऐसे हैं कि मैं सीरियसली वाओ परफॉर्मेंस थी वो। आपको लोगों को बताना चाहूँ, सुबह था और मैं शाम को यहाँ डांस कर रहा हूँ। मैं इतना क्रेजी हूँ अपने डांसिंग के लिए, मैं डांस के अलावा कुछ जज नहीं करता, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह एडमिट था, इवनिंग में मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरे लिए इतने सारे कमेंट्स भी मिल गए, सो थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा सा भी किया है, अच्छा लगा हो तो थैंक यू। और ऐसे ही सारे आर्टिस्ट को आप लोग ब्लेस करो, सपोर्ट करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच अरुण सर, दिल से बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू ऑल द बेस्ट। एक मिनट बनता है तुम्हारे लिए, एक बारी बनता है ऑडियंस, एक बारी बता दो इनका परफॉर्मेंस कैसा लगा, शोर मचा के। 5 6 7 गो, स्टार हो भाई तुम।